हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। ऑन दिस चैनल आई ऑलवेज डिस्कस अबाउट सिविल साइट एग्जीक्यूशन, मींस जो साइट पे हम एग्जीक्यूशन करते हैं वो स्ट्रक्चरल हो या फिनिशिंग, उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशंस करता हूँ। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको वो बहुत ध्यान से केयरफुली देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी हेल्प से सीमेंट, सैंड या कोर्स एग्रीगेट कितनी क्वांटिटी में हम कंक्रीट में मिक्स करते हैं, कंक्रीट बनाने के लिए मिक्स करते हैं, इसकी हेल्प से कंक्रीट में कितना सीमेंट, सैंड या फिर कोर्स एग्रीगेट मिक्स करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक, और मोर्टार में कितना सीमेंट सैंड मिक्स करते हैं, कितने क्वांटिटी में होता है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले हम समझते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक ये डिब्बा ले रखा, ठीक है, इसी का ऊपरी हिस्सा कट करके मैंने दो पार्ट में कर दिया। एक में मैंने क्या रखा है, एक में सैंड रखा हुआ, एक पार्ट में मैंने सैंड रखा हुआ, दूसरे मैंने कोर्स एग्रीगेट ले रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके डायमेंशंस मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी जो ये टोटल डायमेंशन है, ये है 150 mm। ठीक है, तो और हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं कहाँ तक कोर्स एग्रीगेट भरा हुआ। तो यहाँ से देखिए आप, ये रहा, ये मिला मेरे को 75 mm के अबाउट। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो हमारा ये एग्रीगेट भरा हुआ है, ये 75 mm हाइट तक भरा हुआ है। ठीक है, और इसका जो डाया है हमारा 100 mm है। ठीक है, ये सेम डाया इसका भी है 100 mm, और ये हमने जो इसमें सैंड भर रखा है, ये 50 mm हाइट तक भर रखा है। ठीक है, ये डायमेंशंस क्लियर हो गई। अभी हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो ये सैंड को मैंने इसमें मिक्स किया, इसको मिक्स करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मिक्स हो गया, प्रॉपर तो नहीं हो पाया प्रॉपरली, लेकिन फिर भी मिक्स हो गया। अभी मैं इसका मेजरमेंट लेता हूँ। ठीक है, ये अभी भी मेरा कितना मिल रहा है, ये 60 mm मिल रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 60 mm मिल रहा है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये 60 mm मिल रहा है, 60 क्या, चलिए 65 mm ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये 65 mm मिल गया। ठीक है, मिक्स करने के बाद, मिक्स करने के पहले दोनों के अलग अलग क्या था, एक 50 mm का था, दूसरा हमें मिल रहा था 70 mm। ठीक है, सॉरी 75 mm। तो अभी मिक्स करने के बाद क्या हुआ, ये हमें मिल रहा कितना, यहाँ से 60 mm मिल रहा है, यानी कि नीचे से कितना हो गया, ये जो 75 था वो अभी 90 mm हो गया। ठीक है, 90 से कम ही है, 85 है। ठीक, तो पहले कितना था इसमें, 75 mm था, अभी कितना हो गया, 85 mm। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो ये अलग अलग होते हैं, सीमेंट अलग होता है ड्राई कंडीशन में, अपना सैंड अलग होता है ड्राई कंडीशन में, और ये कोर्स एग्रीगेट अलग होता है ड्राई कंडीशन में। ठीक है, तो उसको मिक्स करके हम उसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो जाके हमारा कंक्रीट रेडी करता है। और इन मोर्टार के केस में क्या करते हैं, हम उसमें सीमेंट होता है, सैंड होता है और वाटर, ये मिक्स करते हैं। ठीक है, तो वो जो मिक्स करते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो लिया जाता है। ठीक है, जो भी हमारा मिक्स का रेशियो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होता है। जैसे M10 के लिए 136 है, तो उसमें क्या होता है, 1 सीमेंट होता है, 3 क्या होता है अपना सैंड होता है, और 6 क्या होता है कोर्स एग्रीगेट होता है। वो जो होता है 136, वो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होता है, यानी कि वो जो क्वांटिटी हम लेते हैं वो वॉल्यूम में लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस डिब्बे के माध्यम से मैंने सारे मेजरमेंट ले लिए। ठीक है, अब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा और उसको मैं थियोरेटिकली अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं अभी। तो चलिए समझते हैं। तो जो सैंड वाला हमारा कंटेनर था, उसमें सैंड की हाइट कितनी थी, जो फिल हुआ था, जो सैंड फिल था उसकी हाइट कितनी थी, 50 mm थी। ठीक है, और डाया क्या था, 100 mm था। डाया कितना था, 100 mm। ठीक है, डाया मेरा 100 mm ही रहेगा इसके लिए भी, जिसमें मैंने क्या रखा था, कोर्स एग्रीगेट, क्योंकि बोतल जो मैंने लिया था वो सेम बोतल था। ठीक, और इसकी हाइट कितनी थी कोर्स एग्रीगेट की, 75 mm, यही था ना। याद नहीं आ रहा था, दोबारा वापस जाइए, स्टार्टिंग से देखिए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हमने फिल किया था इसमें कोर्स एग्रीगेट, 75 mm लिया था। ठीक, अब इन दोनों को मैंने मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कितना मिला था, वो वॉल्यूम मिला था हमें 85 mm।
ठीक है, यानी 85 mm हो गया था, जो 75 था वो 85 हो गया बढ़ के। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना। अभी हम वॉल्यूम निकालते हैं, सबसे पहले हम सैंड की वॉल्यूम निकालते हैं, जो उसमें हमारा सैंड फिल था 50 mm तक, तो वो आ जाता है हमारा, वॉल्यूम का फार्मूला पता ही है, ये सिलेंड्रिकल है तो इसमें इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो पता ही होगा ना। तो इससे मैंने कैलकुलेट कर लिया इसका वॉल्यूम कितना है, सब मैंने एमएम में ही कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये आ गया 39,25,000 mm³, कितना आ गया 39,25,000 mm³। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और जो हमारा कोर्स एग्रीगेट था उसको भी कैलकुलेट कर लिया सेम फार्मूले से, तो आ गया हमारा कितना 58,87,50 m³। ठीक, अब जो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम मिला हमारा वो कितना आ गया कैलकुलेट करके 66,72,50 mm। तो चलिए मिक्स करने से पहले जो हमारा टोटल वॉल्यूम था उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी इन दोनों को ऐड करता हूँ वो कितना मिलता है देखते हैं। ठीक है, तो बिफोर मिक्सिंग मैंने यहाँ लिख रखा है बिफोर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम, तो ये आ जाता है हमारा 39,25,00+58,87,50। इसको ऐड किया तो मेरे को मिल गया 98,12,50 m³। ठीक है, मिलीमीटर में ही है। और जो आफ्टर मिक्सिंग आया वो तो यही सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ प्लस माइनस करना नहीं है, 66,72,50 m³। ठीक, अभी ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा, ये वॉल्यूम देखिए और ये वॉल्यूम देखिए, क्या ये ज़्यादा है कि ये, यानी कि ये ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि बिफोर मिक्सिंग जब हमारा सैंड और कोर्स एग्रीगेट अलग अलग सेपरेट ड्राई कंडीशन में था, उन दोनों का जो अलग अलग वॉल्यूम है जो ऐड किया हमने, तो वो ज़्यादा मिल रहा है मिक्स करने के बाद, ये कम क्यों हो रहा, कम करने का रीज़न क्या है। तो कम करने का रीज़न इसमें देखिए ध्यान से, ये जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है इसके बीच में वॉइड्स होते हैं, यानी गैप होता है, जब इसमें सैंड मिक्स करते हैं तो वो सैंड क्या होता है इसमें फिल हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं गैप में ही सैंड फिल हो जाता है, तो इसमें जो गैप होता है उसमें सैंड फिल हो जाता है, वो गैप इतना होता है कि वॉल्यूम हमारा देखिए कितना बड़ा 75 से 85 हुआ, जबकि हमारा होना कितना चाहिए था 75 + 50, यानी कि 125 होना चाहिए था, तो हुआ कितना 85, ये नहीं बढ़ पाया, यानी गैप जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ही बढ़ पा रहा है गैप के अलावा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भी हम क्या करते हैं, हम एक रेशियो निकालते हैं ऐसे ही, जो बिफोर मिक्सिंग था वॉल्यूम हमारा और आफ्टर मिक्सिंग ये कितना मिलता है। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग मैंने दोनों ऐड कर लिया तो हमें इतना मिल गया था, आफ्टर मिक्सिंग इतना था। ठीक है, जब इनका मैंने रेशियो निकाला तो ये कितना मिला मेरे को 1.47। क्लियर है, कितना आया 1.47। अब जब कंक्रीट में हम क्वांटिटी निकालने जाते हैं सैंड या कोर्स एग्रीगेट या सीमेंट की, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो फार्मूला है बिफोर मिक्सिंग हम इसको लिखते हैं वेट कंडीशन। ठीक है, वेट कंक्रीट, और इसको लिखते हैं हम ड्राई कंडीशन, ड्राई। ठीक है, वेट क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसमें हम पानी डाल के उसको मिक्स करके कंक्रीट बनाते हैं, इसलिए उसको वेट लिखते हैं। ठीक है, कंक्रीट हमारा क्या होता है, वेट फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम उसको वेट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है और जो ड्राई वॉल्यूम होता है, ये जो हम लेते हैं वो प्रैक्टिकली आता है 1.54। ठीक है, तो ये 1.54 प्रैक्टिकली आता है, यहाँ पे देख लीजिए ना, ये 1.5 यहाँ पे देखिए ये 1.47 मिल रहा, तो ये नियर अबाउट 1.54 के है, ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है, इसलिए कि जब हम इसमें सीमेंट ऐड करते हैं तो उसका भी कुछ वॉल्यूम होता है, लेकिन जो सीमेंट होता है वो भी कहाँ चला जाता है, वो जो हमारा सैंड का वॉइड है उसमें भी चला जाता है, और कोर्स एग्रीगेट में जो भी है और थोड़ा बहुत वॉइड बचा हुआ है उसमें चला जाता है, यानी कि जो हमारा सेपरेट वॉल्यूम है सीमेंट का वो तो है ही, वो तो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा, यानी कि ये तो हमारा बढ़ रहा है बिफोर मिक्सिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा, लेकिन ये ऑलमोस्ट उतना ही रह जा रहा, तो ये और बढ़ जाता है हमारा रेशियो, ये ज़्यादा हो जाएगा ये कम रहेगा तो ये बढ़ेगा वैल्यू, सिंपल सी बात है, ये 5 है ये 2 है तो हमारा 2.5 आएगा। ठीक, अगर ये 6 हो गया ये 2 ही रहा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये बढ़ के 1.54 हो जाता है प्रैक्टिकली, मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर मिक्स करके सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो उसको मैं चेक करूंगा प्रैक्टिकली कितना आ रहा, अभी ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम चेंजेस क्यों होते हैं और ये 1.54 है क्या और कहां से आता है, तो ये क्लियर हो गया।
सिमिलरली मोर्टार की कंडीशन में, जब मोर्टार हम लेते हैं तो मोर्टार में क्या होता है हमारा, केवल सीमेंट होता है और सैंड होता है, यानी कि सीमेंट और सैंड, उसमें कोर सेग्रीगेट नहीं होता, ये दोनों मिक्स होके ही हमारा क्या बनता है, मोर्टार बनता है, यही ना। तो इसमें भी वही होता है, सेम चीज़ होता है, जो हमारा सैंड है उसमें भी वॉइड्स होते हैं, वो सीमेंट होता है जो हमारा बहुत ही बारीक होता है, बहुत छोटा है सैंड की अपेक्षा, ठीक है। तो ये जो सीमेंट हम मिक्स करते हैं तो ये सैंड के पोर में चला जाता है, जो गैप होता है उसमें, जो ऑइड्स होते हैं उसमें चला जाता है। तो ये जो रेशियो यहाँ पे आता है मोर्टार की कंडीशन में 1.33 हो जाता है। ये कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हम सिंगल सीमेंट ही मिक्स कर रहे हैं सैंड में, ठीक है। यहाँ क्या है, कोर सेग्रीगेट भी है, उसका भी गैप है अलग, उसमें सैंड गया और फिर सैंड के गैप में सीमेंट गया, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा आता है हमारा कंक्रीट की केस में, लेकिन हमारा जो मोर्टार की केस में ये कम हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया दोनों में, कम और ज़्यादा क्यों है। तो ये हमारा 1.33 हम लेते हैं, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये मैं एक वीडियो बना के दोनों केसों का दिखाऊंगा कि कितना आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, या क्या 1.54 ही आ रहा है या अलग आ रहा, 1.33 आ रहा, एग्जैक्ट तो यही नहीं मिलने वाला, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि कोर सेग्रीगेट का साइज अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगी, ठीक है, सेंड भी अलग अलग होगा, तो सेम तो नहीं आएगा, लेकिन अबाउट इतने के आसपास आ जाएगा, जैसे 1.47 ये आया मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, प्रैक्टिकली जो कैलकुलेट किया 1.47 आ गया, तो ये नियर अबाउट 1.54 के ही है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, अभी इसमें कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपका कोई डाउट है इस पर, ठीक है। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा, अभी आपको नहीं बोलने वाला ये 1.54 क्यों लेते हैं और 1.33 क्यों लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मैं 5-7 वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें M20, M15, M10 या M7.5 या मोर्टार का जो रेशियो होता है 1:4, 1:6, 1:8 जो भी है, उसमें मैं यही वैल्यू लेके कैलकुलेट करूँगा सीमेंट सैंड और कोर सेग्रीगेट की क्वांटिटी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू।